दुनिया में इस वक्त सबसे हाईटेक युद्ध हो रहा है और बिना दूसरे देश में गए हो रहा है। इसराइल ने लिबनान में अपनी कोई आर्मी नहीं भेजी, लेकिन इसके बावजूद इसराइल के हमलों में लिबनान में 560 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दावा है कि इनमें से ज्यादातर हिजबुल्ला के लड़ाके हैं। इसराइल इस वक्त ऐसा ही एक हाईटेक युद्ध लड़ रहा है लिबनान में बिना अपनी आर्मी दाखिल किए। हिजबुल्ला को मार रहा है, ये युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है? हिजबुल्ला को समझ में ही नहीं आ रहा कि इसराइल कैसे मार रहा है। इसराइल ने युद्ध के सारे नियम बदल दिए, सारे तरीके बदल दिए और बड़ी बड़ी ताकतों के सामने एक सवाल रख दिया कि मॉडर्न वर्ल्ड में युद्ध तो अब ऐसे ही होगा। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इसराइल ने लेबनान का आसमान धुआं धुआं कर दिया। क्या हिजबुल्ला का नामो निशान ही मिटा देगा इसराइल? इसराइल चाहता क्या है, पहले हमास और अब हिजबुल्ला, अगला नंबर किसका? रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, इसराइल ने लेबनान का पूरा आसमान ऐसे ही धुआं धुआं कर दिया है। इस वक्त लेबनान के कई शहर इजरायली हमलों की चपेट में हैं। आसमान से इजरायली एयरफोर्स के जेट आग बरसा रहे हैं। लेबनान में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जहां इजरायल का हमला हो रहा है वहां से लोग भाग रहे हैं, लेकिन सवाल है कि यह नौबत क्यों आई? इजरायल ने पहले हिजबुल्ला पर पेजर और वॉकी टॉकी अटैक किया और अब वो हिजबुल्ला के खिलाफ ऑल आउट वॉर क्यों कर रहा है? यह समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना होगा। हिजबुल्ला ने इसराइल पर लगातार हमले किए, अपने बॉर्डर से लगते इजरायली शहरों पर ऐसे ही मिसाइल और रॉकेट से हमले किए। जिसके बाद इसराइल के कई शहरों में ऐसे ही कोहराम मचा। यह लगातार चल रहा था और पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसराइल का दावा है कि पिछले 11 महीने में हिजबुल्ला ने इसराइल के ऊपर 9,000 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इसराइल के 60,000 से ज्यादा इसराइलियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इसीलिए इसराइल ने हिजबुल्ला पर हमला किया। सोमवार को इसराइल की एयरफोर्स की तरफ से हिजबुल्ला के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की गई। इसराइली एयर स्ट्राइक्स में अब तक 492 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दर्जनों बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 2006 में हिजबुल्ला इसराइल के 34 दिनों तक चले युद्ध से आधे लोग तो सिर्फ एक ही दिन में मारे गए हैं। احنا لحديت هاللحظة هاي وزارة الصحة صارت مسجلة 558 شهيد بينهم 50 طفل و 94 امرأة وهذا صراحة بنافي كل الكذب اللي كانوا عم بيقول هالعدو الإسرائيلي إنه هو كان عم يستهدف يعني القوات مقاتلة وكلام آخر حقيقة يعني للأسف الشديد نحن عم نشوف إنه غالبية العظمى إذا ما كل اللي سقطوا جراء الاعتداءات اللي صارت امبارح هن من العزل الآمنين اللي كانوا في منازلهم من الجرحى هنالك 1835 جريح وعدد المستشفيات اللي شاركت باستقبال الجرحى اسرائيل صاف कह रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से उसके शहरों पर हमला किया जा रहा था और आगे और भी हमले की तैयारी थी, जिसकी वजह से उसने यह स्ट्राइक की। Today, based on precise intelligence, we conducted extensive strikes against Hezbollah terror targets in Lebanon that posed an imminent threat. The IDF strike 1,300 targets until now, including long-range cruise missiles, heavyweight rocket with 1,000 kilo warhead. This is the same type of rocket that was used in the Majdal Shams attack that killed 12 innocent children. We also struck a short and medium range rockets and UAVs, all capable of attacking deep inside Israeli territory and causing major damage to civilian towns and cities. असल में पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया था। इजराइल के अंदर घुसकर
ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। 1200 लोगों की मौत हुई थी, इसीलिए इसराइल कोई चांस नहीं लेना चाहता। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला भी 7 अक्टूबर जैसा ही हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। The world should remember, on the 8th of October, Hezbollah started a war. Israel did not attack Lebanon, did not attack Hezbollah. It's Hezbollah on the 8th of October started firing on Israeli civilians in the northern border, and he's been doing this for over 11 months with 9,000 rockets, and 60,000 Israelis have left their homes. We have to act to stop the threat of Hezbollah. Hezbollah was planning to do a larger scale of massacre than the 7th of October in the northern Israel. And we will have to make sure that in any one of our borders, we are safe and there is no threat of a 7th of October in any one of our borders, never again. इसीलिए इजराइल की एयरफोर्स ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी अटैक भी किया जाएगा। इजराइल ने अपने हमलों का फोकस साउथ लेबनान में रखा है, जहां हिजबुल्लाह की सबसे तगड़ी उपस्थिति समझी जाती है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा आरोप लगाया है और दुनिया को वीडियो सबूत दिखाए हैं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला ने लोगों के घरों के अंदर हथियार छुपाकर रखे हुए हैं, और ये हथियार कोई छोटे हथियार नहीं है बल्कि क्रूज मिसाइल और रॉकेट्स हैं। लोगों के घरों के अंदर इसलिए छुपाकर रखे गए हैं ताकि वो इजरायली ड्रोन्स की पकड़ में ना पाएं। लेकिन इसके बाद भी इसराइल ने न सिर्फ इन हथियारों वाले घरों की पहचान की बल्कि उन्हें नष्ट करना भी शुरू कर दिया है। This is southern Lebanon. There are dozens of Lebanese villages along approximately 80 kilometers of the border with Israel. For over 20 years, Hezbollah has deployed its arms, such as cruise missiles, rockets, launchers, and explosive UAVs, inside civilian homes hidden behind the Lebanese population. Let's look at an example that we identified a few weeks ago. This is a Russian-made DR-3 cruise missile hidden inside of a home. The IDF identified the terrorists making an opening in the building that exposed the missile. We are monitoring these activities, locating the weapons and eliminating them with precise intelligence-based strikes. The IDF is operating and will continue to operate in defense of the citizens of Israel wherever required. The IDF strikes today, we saw many secondary explosions, such as this. Behind every secondary explosions, there's a building containing deadly munitions, rockets and missiles, triggering such a reaction like you see here. It is likely that some of the casualties are from these secondary explosions. Here you can see a house used by Hezbollah to store its weapons. In the footage here following our strike on the weapon, secondary explosions can be clearly seen, and a rocket fired and hit a nearby house. Let me be clear. Hezbollah is responsible for this situation. This is Hezbollah's plan to turn southern Lebanon into a battlefield for its attacks on Israel. We cannot accept terrorist groups storing weapons inside people's homes. यानी इजराइल को यह खतरा दिख रहा था कि आने वाले दिनों में उस पर हिजबुल्लाह के हमले बढ़ने वाले हैं, इसीलिए उसने हिजबुल्ला पर इतना बड़ा हमला किया है। इजराइल ने इन इलाकों में रहने वाले आम लोगों को तुरंत अपना घर छोड़कर जान बचाकर भागने को कहा। इसके लिए इजराइल की तरफ से लेबनान के लोगों के फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। अननोन नंबरों से फोन कॉल भी की जा रही है कि लोग तुरंत इलाके खाली करके चले जाएं, क्योंकि एयर स्ट्राइक होने वाली है। इजराइल की वार्निंग के तुरंत बाद लोगों ने दक्षिणी लेबनान छोड़कर जाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में जाम लगा हुआ है, लोग सिर्फ यहां से निकलना चाहते हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि उन्हें भागने के लिए बहुत कम वक्त मिला है और उससे पहले ही बॉम्बिंग शुरू हो गई। सोमवार की सुबह 5 बजे से ही लेबनान में इसराइल के युद्धक हवाई जहाजों ने बम गिराने शुरू कर दिए थे। इसराइल के प्रधानमंत्री ने भी लेबनान के लोगों को वीडियो संदेश देकर उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long,
Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Israel ke strike ke baad, Beirut ke schoolon mein, Lebanoniyon ne sharan li hui hai. School, college band kar diye gaye hain. Logon ko surakshit sthanon par bheja ja raha hai. Pure Beirut shahar mein, aise hi siren goonj rahe hain. Israel lagatar Hezbollah ke netaon ko bhi nishana bana raha hai. इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में चौकसी बढ़ा दी गई है. सड़कों पर फौजी टैंक भी दिख रहे हैं. बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इजराइल का एक अटैक हुआ है जिसमें 6 लोग घायल हुए. हिजबुल्ला की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया गया है.